ये हम लेंगे अभी ये हर्ब से। ये हर्ब हम काट के रखा है इसको दिखाने के लिए। अब ये जो रखा है ये है मेजिंगा बोलता है इसको, मेजिंगा। हाँ, आज आपको हम खिलाने वाला है पातोद दिया चिकन, वो भी चाय बगान की सामने से। पत्ता देख रहे हैं आप, लग रहा है ऐसे कितना ज्यादा तेल इसमें डाला हुआ है, लेकिन भाई साहब ये जो तेल देख रहे हैं ना, ये सारा चिकन से रिलीज हुआ हुआ है। ओय होय होय भाई मेरे, जब खोल रहे तो क्या खुशबू क्या अरोमा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। तो गाइस आज जो है ना, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि छोटे टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा मन करता था भाई साहब टी गार्डन घूमने का, लेकिन आज वो मेरा सपना पूरा हो चुका है। हम आ चुके हैं एक टी गार्डन के पास। उसके अलावा हम जो आपको दिखाने के लिए लाए वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि जिस जगह पे हम जाने वाले हैं ना वो ठीक इस टी गार्डन के पीछे है। तो गाइस अब जो है हम आपको इस जगह के बारे में बता देते हैं। अभी जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह को बोला जाता है बार बुरुआ। मेरे पीछे जो आप ये रास्ता देख रहे हो, ये है आपका NH 37, और यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि हम आपको हमेशा की तरह गूगल मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे आना कैसे वो हमने बता दिया आपको, अब हम आपको एक बार वो जगह दिखा देते हैं जहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले ये देख लो, ये है इनका मेन गेट एंट्रेंस का, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो इसके अंदर भाई साहब आपको कुछ इस तरह का खूबसूरत सा हरा भरा नेचर के गोद में जगह दिखने वाला है। और हमारे सामने जो अभी आपको दिख रहे हैं फ्रेम में, ये है भैया जी जो इस जगह के ओनर है। तो भैया सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लख्य ज्योति बगलरी है। ओके, और अपने जगह के बारे में थोड़ा बहुत बताइए कि कब स्टार्ट हुआ ये? जगह का नाम मेफ्लावर रिजोर्ट है, और ये लगभग 2017 को एस्टेब्लिश किया गया था। अभी इस साल के अक्टूबर मंथ में इसका 6 साल कंप्लीट हुआ है। 6 साल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये पहले तो ये पूरा जंगल था, फिर इसको हम लोग पूरा काट वाट के, मतलब ये थोड़ा बहुत हमने ही प्लान किया था, मेरा दोस्त लोग का भी थोड़ा बहुत हाथ था इसमें बनाने के लिए। अच्छा। तो उसके बाद हमने ये खुद से मतलब डिजाइन दिया हुआ है सब। ओके, मतलब ये सारा खुद का सेम माइंड का सेटअप है, खुद से ही हम लोग मतलब सोच के बनाए हैं ये। ओके, बहुत बढ़िया सा, बहुत ही खूबसूरत सा जगह, मतलब आदमी जितना भी थक हार के आएगा यहाँ पे आके शांति पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार थोड़ा सा जगह वगैरह दिखाइए कि कहाँ पे क्या सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह बैठने का। तो ये जो है देख सकते हैं, चल सकते हैं ऊपर चढ़ के जो है दिखाई देते हैं। तो ये देख लो भाई साहब, कुछ इस तरह का एकदम बढ़िया से पंखा वंखा सब लगा है, हर चीज का व्यवस्था है यहाँ पे। और मतलब कि यहाँ पे बैठ के खाना खाने का तो मजा ही अलग होता होगा। चलो चलो जरूर जरूर। और इसके बाद मतलब ये सब फिर तो सब एक जैसा ही है ना, सिर्फ सब नीचे है। सब ये दो मतलब ऊपर के बनाया हुआ है और बाकी सब नीचे का है, और उस साइड पे इस साइड पे। और एक में लगभग आपका 10 से 12 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, काफी स्पेशियस भी जगह भी काफी इसका है। अगर मतलब छोटा मोटा बर्थडे पार्टी हो, आप लोग ग्रुप गैदरिंग हो, मतलब तो आप यहाँ पे मतलब आराम से वो सब। अच्छा, वो सब चीज का व्यवस्था है? हाँ हाँ, आराम से कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी वगैरह सब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो गाइस अब जो है यहाँ पे मेकिंग स्टार्ट होने वाला है, और भाई साहब इस चीज को आज बना के हमारे को दिखाने वाले हैं, चखाने वाले हैं भैया जी जो हमारे सामने है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, आपका नाम क्या है दादा? मेरा नाम गौतम बरुआ है, नमस्ते। और नमस्ते, और ये बताइए कि आज जो आप हमारे को बनाकर खिलाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, उसको बोलते क्या है? उसको बोल रहे पातोदिया, पातोदिया। अच्छा, पातोदिया, पातोदिया बोल रहे हैं। ओके, वो आप ऑप्शनल ले सकते हैं, वो चिकन भी ले सकते हैं। अच्छा, पोक भी ले सकते हैं। ओके, तो मतलब ये चिकन और पोक दोनों में बनता है? पातोदिया। हाँ, अब चिकन लेगा तो पातोदिया चिकन होगा। हाँ, अगर पोक लेगा तो पातोदिया पातोदिया पोक होगा। ओके, तो स्टार्ट कीजिए, दिखाइए कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम उसको काट के रख दिया है थोड़ा चिकन, उसको हम बाउल से ले लेगा एक बड़ा बाउल में। हाँ, इतना सा क्विंटल कितना होगा पूरा? 250 ग्राम का होगा। फिर क्या जाएगा इसके ऊपर? हम डालेंगे थोड़ा टमाटर, देखिए ऐसे काट के रख दिया है, ठीक है। देखिए हल्का लें प्याज, उसके ऊपर से ये अदरक लहसुन पीस के रखा है, ठीक है, उसको भी थोड़ा डालेंगे। और आएगा इसके बाद बैम्बू सूट, बैम्बू सूट, बैम्बू सूट। हाँ, ये मतलब भाई आसाम का जान है। हाँ, लोग बहुत खाते हैं इसका, है ना। और अब थोड़ा ये घोस चिली बोलते हैं ना, भूजोलो क्या बोल रहे हैं हम, भूजोलो किए हुए है, मतलब भाई थोड़ा डालेंगे भूत जनता है, थोड़ा डालेंगे। ओके, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप हम डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब कि जैसा चाहिए, कम तीखा तो कम डाल दो। तो ये बस इतना में हो जाएगा, जो तो 2-3 टुकड़ा डाले तीखा हो जाता है इतना में, ये तीखा हो जाता हो है, हो जाएगा। हाँ, ओके, और क्या जाएगा इसके साथ? एक क्रश पेपर जाएगा ये। ओके, तो ये है ब्लैक पेपर, नहीं ब्लैक पेपर। हाँ, क्रश करके रखा है। और फिर ये हरी मिर्च डालेंगे, ये अच्छा
थोड़ा स्पाइसी भी थोड़ा आएगा और इसका खुशबू भी आता है ना थोड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो ये हम लेंगे अभी ये हर्ब्स है। ये हर्ब्स हम काट के रखा है इसको दिखाने के लिए अभी। ये जो रखा है ये है मेजिंगा बोलता है इसको। मेजिंगा? हाँ मेजिंगा लेता है उसको यहाँ पे डालेगा। ठीक है तो ये मेजिंगा क्या है, मतलब ये कहाँ पाया जाता है? ये पहाड़ वगैरह में होता है? हाँ होता है हमें असम। जंगली टाइप का है? हाँ जंगली टाइप का है। और ये होगा आपका लॉन्ग कोरिएंडर, ये यही भी काट के रख के। हाँ ये भी डाल दिया। ये थोड़ा लॉन्ग कोरिएंडर दिखाइए तो हाथ पे। तो ये देख लो भाई साहब, ये है धनिया का पत्ता, पहाड़ी धनिया का पत्ता, नागा धनिया पत्ता भी बोलते हैं ना इसको शायद। बोलते हैं कुछ लोग, कुछ लोग बोलते हैं मान धनिया बोलते हैं, मान धनिया भी बोलते हैं। हाँ हाँ। तो भाई साहब देख लो, ये तरह का हाँ। धनिया पत्ता फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं और इसका फ्रेग्रेंस जो है ना, मतलब नॉर्मल धनिया पत्ता से ज्यादा हार्ड होता है थोड़ा सा। हाँ हाँ। नहीं और ये और ये क्या? और ये है ये, इसको हम तुलसी तुलसी बोलते हैं ना, तुलसी। हाँ सफेद तुलसी बोलते हैं इसको, मतलब। हाँ इसको बेसिल भी बोलते हैं। बेसिल? अच्छा बेसिल लीव्स है ना। ठीक है उसको भी यहाँ पे डाला हुआ है। अच्छा ऑलरेडी डाल चुके हैं। ठीक है उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे इसके हिसाब से, स्वाद अनुसार नमक। हाँ, स्वाद अनुसार नमक बस। और डालने के बाद अच्छे से मिलाइए। अगर थोड़ा आधा घंटा इसको रेस्ट मिल जाए तो और बढ़िया हो जाता है ना। अच्छा मतलब फ्लेवर एकदम और बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, मतलब ये समझ लो कि हमारे जो झारखंड में हम लोग खाते हैं ना पतपोड़ा, बस उसी का ये असमीज वर्सन है। हम लोग जो है सखुए के पत्ते में लपेटते हैं और हमारे उधर ये जो है हर्ब्स वगैरह नहीं मिलता तो हम लोग नॉर्मल धनिया पत्ता वगैरह डालकर काम चलाते हैं। हमारे उधर भी ऐसा बनता है। अच्छा। हम लोग उसको बोलते हैं पतपोड़ा। पतपोड़ा हमको यहाँ बोलते हैं पतोदिया। पतोदिया मतलब चीज एक है, बस बोलने का तरीका अलग है और थोड़ा बहुत बनाने का तरीका अलग है ना। जो मतलब जहाँ ये मसाला यहाँ मिलते है। हाँ, तो उसी मसाला के लोकल मसालों के साथ बनता। हाँ। है बहुत बढ़िया। कितना टाइम लगता है दादा इसको बनने में? वैसे इसको तो बनने में एक घंटा के आसपास लगेगा। एक घंटा के आसपास? हाँ। मतलब ये तो, स्लो फ्लेम पे बनता है क्या? धीमी आंच पे पकेगा। धीमी आंच पे पकता है। बहुत बढ़िया। तो ये मिक्स हो चुका बढ़िया से। बढ़िया से। अभी इसको थोड़ा रेस्ट करेगा, थोड़ा सा रेस्ट करेगा 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद इस पत्ते में जाएगा क्या? उसके बाद इस पत्ते में जाएगा। किस चीज का पत्ता? केला पत्ता है ना? तो ये केला नहीं, इसको हम कू पत्ता बोलते हैं। कू पत्ता बोलते हैं इसको। अच्छा ये कू पत्ता है। हमको हम जंगल में, हमारे जंगल में मिलता है इसको। अच्छा अच्छा। इसको तो ये क्या है, जल्दी जलता नहीं है क्या ये पत्ता? मतलब की थोड़ा हार्ड टाइप का रहता है? हार्ड टाइप का रहता है, मतलब फटा नहीं ना। फटता नहीं है, मजबूत है। मजबूत है थोड़ा। तो ये इसी पत्ते में बनता है कि दूसरे पत्ते में बनता है? आप केले के पत्ते में भी डाल सकते हो। अच्छा केला पत्ते में बन सकता है। इसमें बनना ज्यादा बढ़िया रहता है क्या? बढ़िया मतलब ये बड़ा है ना थोड़ा। अच्छा बड़ा है, बांधने के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। तो वो हल्दी की पत्ता भी लेता है। अच्छा हल्दी पत्ता में बन जाता है, उसमें भी खुशबू अलग जाता है। ओके देखिए हम इसका मेरिनेशन आपका आधा घंटा हो चुका है, इसका खुशबू अब देखिए। तो भाई साहब मतलब कि इसका जो खुशबू है ना, वो जो आप डाले हर्ब्स वगैरह, मतलब बासिल लीव्स वगैरह है, धनिया पत्ता जो है आपका पहाड़ी वाला, उसका बढ़िया सा है। आपको लग रहा है ना अभी? आ रहा है, आ रहा है, काफी बढ़िया सा आ रहा है। और बैम्बू का सबसे ज्यादा आ रहा है। हाँ। बैम्बू सूट्स का। ओके तो आप जो है इसको लपेटेंगे पत्ते में। इसको हम पहले नीचे एक पत्ता रखेंगे। ठीक है ले लिए, नीचे चलेगा कोई भी हो नीचे, लेकिन जो ऊपर का है वो अच्छे से, वो अच्छा वाला पत्ता डालना। हाँ, अच्छे से और इसको ऐसे डालेंगे। अब इसको अच्छे से रेप करेंगे, इसको बढ़िया से रेप करके निकलना नहीं से ना बाहर। हाँ बढ़िया से, मतलब ये भी एक जो है कला आना चाहिए बांधने का। हाँ, क्योंकि अगर सही से नहीं बांधेगा सब तो फिर सब बेकार हो जाएगा। हाँ, इसको ऐसे से अच्छे से रेप करना पड़ेगा, दो तीन पत्ते ऊपर बढ़िया से इसको रेप करके। ठीक है अभी और पत्ता जाएगा। हाँ कि जलेगा भी ना इसको। हाँ जब आग में डालेंगे तो अब क्या करना है? अभी इसमें तवा में डालेंगे। ये तवा में जाएगा अभी। हाँ। इसको ऐसे लगा के। ठीक है बढ़िया से ढक देंगे इसको ऊपर। अच्छा। से एक पत्ता लगे। ठीक है अभी इसको खोल के देखेंगे। तो ये पक चुका है? पक चुका है एकदम, बिल्कुल पक चुका है। तो भाई साहब यहाँ पे लगभग जो है ना एक घंटा तो हो गया कम से कम, है ना? हाँ। एक घंटा हो चुका है और भाई यहाँ पे पत्ता चेक करो, पूरा जल कर खाक हो चुका है और
अंदर का मटेरियल तो सही सलामत होगा, है ना दादा? हाँ, बिल्कुल सही सलामत। अंदर का मटेरियल सही सलामत सा होगा। अभी खुशबू वगैरह तो निकल के नहीं आ रहा है क्योंकि आप बांधे बहुत बढ़िया से लगते हैं, है ना? इसको निकाल देते हैं हम। भाई साहब ये देख लो, यहाँ पे पहले ऊपर का पत्ता हटाना पड़ता है ना, एक एक करके, एक एक करके। तीन चार लगाया था ना पत्ता? हाँ, नहीं तो फिर ये सारा चिकन में आ जाएगा। ऊपर का जल गया, नीचे का रह गया होगा। और यहाँ देखो पत्ता के ऊपर आप ऑयल देख रहे हो, ये चेक कर लो, मतलब तेल नहीं डाले हैं बट हाँ। चिकन जो अपना तेल छोड़ा है वो साफ साफ दिखने लगा पत्ता के ऊपर। ये देख लो भाई साहब, मतलब इसको पैक करना भी जो है एक कला है, खोलना भी एक कला है। हाँ। इसको प्लेट में डाल देते हैं। ये देख लो भाई साहब, तो गई जब जो है यहाँ पे हमारा खाना भी टेबल पे लगने वाला है। भैया यहाँ पे खाना सारा लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी हम जिस जगह पे है ना, ये है ट्री हाउस। और भाई साहब मेरे पीछे के आप नज़ारे देख लो यहाँ पे, ये तो हम पहले भी दिखा चुके हैं लेकिन क्या करूँ, मतलब कि खुशी जो है ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देख लो यहाँ पे टी बगान पीछे हमारा, और भाई उसके सामने अभी ट्री हाउस में हम बैठे हुए हैं। खाना यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही बढ़िया सा जगह, मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना ऑसम प्लेस, वही है ये। तो यहाँ पे खाना लग चुका है, ये जो है वो आइटम। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसका रंग रूप कैसा दिख रहा है। तो थोड़ा पास आ जाइए कैमरा लेके, एकदम क्लोज ये बात। और अब जो है भाई यहाँ पे इसका होगा उद्घाटन। पत्ता देख रहे हो यहाँ पे, लग रहा है जैसे कितना ज्यादा तेल इसमें डाला हुआ है, लेकिन भाई साहब ये जो तेल देख रहे हो ना, ये सारा चिकन से रिलीज हुआ हुआ है। ओए होए होए भाई मेरे, जब खोल रहे तो क्या खुशबू, क्या अरोमा है। और ये अरोमा आ रहा है किसका, वो एक मैचिंग पत्ता, शायद मैं गलत बोल रहा हूँगा, और उसके साथ जो है धनिया पत्ता जो था, मतलब लग रहा है ऐसे भाई कि कितना सुंदर से सजा कर यहाँ पे ये दिया गया है। काफ़ी बढ़िया सा इसमें से अरोमा निकल के आ रहा है। ये जो है भाई चिकन दिखाते हैं आपको हम हाथ पे लेके, तो ये देखो, देख रहे हो बहुत ही बढ़िया सा दिख रहा है ये। और पका है कि नहीं, पक तो गया होगा भाई, इतना टाइम लगा। ये देख लो चिकन कितना अच्छा से पका हुआ, एकदम खुल रहा है काफ़ी बढ़िया तरीके से। और इसके साथ जो है यहाँ पे ये देख लो, इसका नाम है आपका पेटिका, मछली का बना हुआ है, जिसमें इसको जो है कीमा टाइप का करके, बाकी टमाटर और ये जो देख रहे हो ना घोश चिली, ये डाला हुआ है। साथ में यहाँ पे अपने पास है चिकन, बॉयल्ड चिकन, जिसमें नो मसाला, ओनली अनियन और भाई वही तीखा वाला मिर्चा वगैरह डालकर बनाया हुआ। और ये जो देख रहे हो पत्ते में, ये है आपका चावल, क्या चावल बोलते हैं भाई इसको? इसको हमारा यहाँ पे टुपला राइस, टुपला राइस। तो भाई ये देख लो यहाँ पे टुपला राइस भाई साहब पत्ते में डाला हुआ है। और ये देख लो, ये टुपला राइस बहुत बढ़िया सा दिख रहा है यहाँ पे। सारा खाना बिल्कुल कम मसालों का। तो सबसे पहले भाई साहब ये वाला चावल, क्योंकि ये जो है ना हमने अभी तक ट्राई नहीं किया शाम आके, तो यहाँ पे ये चावल हमने ले लिया है। चावल के साथ जो है यहाँ पे बॉइल्ड चिकन, इसको ट्राई करेंगे। ये गया, ये गया, उसके बाद पहला निवाला गर्मा गर्म एकदम, मतलब फील जो है ना बिल्कुल देसी वाला है। मतलब मैं सच्ची बताऊं आपको, अगर यही चीज कहीं और बना होता ना, मतलब कि यहाँ जो हर्ब्स पाया जाता है, जो लोकल इंग्रेडिएंट होता है, उसके कारण सादा से सादा खाना को ना मतलब इतना फ्लेवरफुल बना देता है। पहले तो ये जो इसका मिर्ची है, घोस्ट चिली जिसको बोलते हैं भाई साहब, इसके कारण जो है ना मतलब एक अच्छा सा फ्लेवर सादा चीज को भी ना बहुत ही स्वादिष्ट सा बना देता है। और इसका तीखा भी आप अगर हल्के मात्रा में लोगे ना, बड़ा अच्छा सा आपको लगेगा। साथ में ये जो पत्ता वगैरह है, नॉर्मली अगर आप इसको ऐसे बना लो बिना इन सब चीज़ का, तो मतलब लगेगा कि जैसे आप बीमार का खाना खा रहे हो, लेकिन भाई यहाँ पे स्वाद और प्लस सेहत दोनों है। मतलब एक तो चिकन का अपना फ्लेवर वो तो बहुत बढ़िया सा है भाई। ये जो हब्स है ना भाई, हम तो कोशिश करेंगे यहाँ से अपने घर भी ले जाने का, और वहां पर भी जो है ना इस चीज को ट्राई करके बना के देखेंगे कैसा बनता है। हल्का खट्टापन भी है इसमें, नींबू का रस भी जाता है क्या हल्का? नींबू का खट्टापन एकदम, मतलब कि जो बड़ा वाला नींबू यहाँ पे चलता है, ये वाला नींबू देख लो यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोगों यहाँ नींबू ही बोलते हैं, नींबू ही बोलते हैं, काजी नींबू, काजी नींबू। भाई साहब ये है, और ये है भूत जलोकिया,
भाई मेरे खा लिए तो आपको पहले भी हमने बोला है भूत दिखना शुरू हो जाएगा दिन में। बहुत बढ़िया सा स्वाद लगा बॉयल चिकन का। अब इसको ट्राई करते हैं क्योंकि इसी को जो है भाई हमने शुरू से अंत तक बनते हुए देखा है। तो ये रहा, भाई सबसे पहले तो स्मोकीनेस, मतलब जो सोंधापन वो गजब का है। पत्ता का पता नहीं क्या है जादू है इसमें कि क्या है, इसका अपना एक अच्छा सा फ्लेवर जो है ना चिकन में पूरा भरा पड़ा है। और जब पक रहा था तो धुआं धुआं भी उठ रहा था, और धुआं उठ रहा था तो उसके ऊपर ढक्कन भी लगा दिया था। अब ढक्कन लगने के कारण जो धुआं था वो पूरा कैद हो गया, और कैद होकर पूरा एकदम चिकन के अंदर तक उसका फ्लेवर गया, मतलब उसका स्वाद और सुगंध दोनों। बहुत बढ़िया सा स्वाद बना इसका, बहुत ही अच्छा सा। जो नींबू हमने बताया ये वाला बढ़िया सा, इसका खट्टापन बीच बीच में जो है भूत जुड़ो की आ जा रहा है, उसका एकदम गजब का वाला तीखापन। ब्लैक पेपर पड़ा है मोटा मोटा कूच के, हल्का हल्का ब्लैक पेपर भाई। उसके बाद इसमें ना मिंटी टेस्ट आ रहा है किसका, बासिल लिप्स का, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग सा एकदम, मतलब एक तो उसका टेस्ट मतलब बोले कैसे तो सबसे ऊपर है, बहुत तगड़ा सा, बहुत जानदार सा। अपने जो रांची में बनाते हैं ना तो उसमें तेल वगैरह भी जाता है, तो उसका टेस्ट एकदम अलग होता है इससे, ठीक है। और इसमें जो दो तीन चीज पत्ता वगैरह डाला ना, मिचिंगा, बासुर लीव्स और पहाड़ी धनिया पत्ता, बहुत बढ़िया सा तो टेस्ट है। और तीखा भी बहुत बढ़िया सा हुआ है, तीन तीन था तीखा, भूत जुड़ो किया, ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली। और ये जो चावल है थोड़ा सा पास से दिखाइए, तो ये ऐसे जो है ना इसमें बना हुआ तो दिखेगा आपको स्टिकी टाइप का, ठीक है, चिपका चिपका, लेकिन जब इस पर कुछ डाल रहे हैं ना आपने, वो जैसे सूप वगैरह या बॉयल चिकन का लिक्विड, एक एक दाना अलग हो जा रहा है और परफेक्ट सा पका हुआ है, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं हुआ चावल। चावल कौन सा है पता है आपको? ये अरुणाचल का जो खामती लाही बोलते हैं इसको। खामती लाही? यस, ये अरुणाचल का चावल है। हाँ, तो इसी से बनता है क्या? हाँ, ये खामती लाही चावल से बनता है भाई। और इसका सच्ची बता रहे ना हम आपको, स्वाद बहुत अच्छा सा है, और लगता है ये इसी चावल से बनता है बोल के ऐसा स्वाद आता है, दूसरे चावल से ऐसा नहीं बन पाएगा। खामती लाही भाई, अगर और कुछ दिन हम रहे ना तो आसाम से फिर जाने का मन नहीं करेगा अपना, बट समझ लो एक तरह से कि आसाम भी अपना ही घर है। यहाँ का स्वादिष्ट सा खाना, प्लस यहाँ के प्यारे लोग भाई, कोई कसर नहीं छोड़ते प्यार देने में, बहुत बहुत बढ़िया लगा मेरे को। और इतना चिकन मछली ये सब अगर हम सारा भी दबा देते हैं ना तो हमको ऐसा नहीं है कि फील होगा कि अरे क्या खा लिया अब तो जो है पच नहीं रहा, कोई मसाला नहीं है यार, कोई मसाला नहीं। अब जो एक बार मछली ट्राई करते हैं, ये रहा फिश, तो ये लोकल फिश है। हाँ, क्या नाम है इस फिश का पता है आपको? इस मछली आप लोगों को इतना लोकल भी नहीं है, मतलब ये बाजार में मिलता है हम लोगों का। अच्छा, ये इसको बाहू मछली बोलते हैं। अच्छा, बाहू मछली। यस, तो मतलब क्या इसको खाने के बाद बाहुबली बन जाएंगे? ऐसे ही समझिए। तो मतलब इसमें विटामिन ज्यादा होता है। वैसे तो अभी लोकल मछली तो नहीं मिलेगा, अभी समय नहीं है ना लोकल मछली का, तो इसको जो है आपको थोड़ा सा देख के खाना होगा क्योंकि इसमें कांटा भी है। है ना? yes. कांटा निकाला हुआ नहीं है, कांटा है हल्का। मतलब मछली को बॉइल्ड किया हुआ है, हल्का सा लगता है कि बिना तेल के फ्राई किया हुआ रहता है क्या? ना, ये रोस्टेड फिश है। रोस्टेड है ना? यस, वही बोले, ये रोस्टेड फिश है। और भाई इतना बढ़िया सा फ्लेवर है ना इस मच्छी का, इतना बढ़िया सा कि हम क्या ही बताए आपको। साथ में जो इसका भूत जलोकिया डाला गया, ये इसके साथ खाओगे तो ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मली कच्चा प्याज है, धनिया का पत्ता है और भूत जलोकिया है।
ब्लैक पेपर भी डाला हुआ ना इसमें, ब्लैक पेपर भी रहता है। बासिल लीप इसमें भी है, बासिल लीप भी है। मतलब भाई ये सब चीज डालने के बाद ना इन सब का टेस्ट इतना अच्छा सा हो जा रहा है ना कि एक बार आदमी स्टार्ट कर दे खाना तो भाई रुकेगा नहीं। खाना तो बढ़िया है, जगह भी देख ही रहो क्या मस्त से जगह पे बैठ के अपने खाना खा रहे। तो गाइस ओवरऑल अपना फीडबैक यहाँ पे बने खाने को लेके और इस जगह को लेके ये कि खाना जबरदस्त है और जगह उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। बहुत सारा खाना पड़ा है, सबको हम करेंगे फिर इस वीडियो को हम करेंगे एंड। और आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग जाती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। और आपका प्यार हमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि आपके लिए बस आपका भाई इतना दूर आया हुआ है आपको कुछ नया और बढ़िया सा दिखाने के लिए। तो मिलता है कल कुछ कहीं और कुछ इसी तरह का कुछ नया सा लेके, तब तक लेटे करें बाय।